भाई साहब गिरते हुए छाले और बोलना संभव नहीं था, इसलिए मैंने जो है दो दिन व्लॉगिंग नहीं की। सो वापसी से आ गया हूँ। तो चलिए जी, अभी फिलहाल रखी हुई है ये साबुन वाबुन एंड नहाकर आते हैं क्योंकि आलस आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है जी। और उसके बाद मिलते हैं और करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात। खाने के लिए जा रहे हैं जी, वो ये साबुन है, साबुन अंदर से लाया हूँ नहीं क्योंकि पुराने वाले ख़त्म हो गए और थोड़ा रूम से दूर आना पड़ता है, अटैच में नहीं है क्योंकि देसी घर है अपना बहुत पुराना। लाइट करते हैं ऑन। तो सावन देखा है ना, जो आनंद मिलता है ना, ठंडे ठंडे पानी से कॉपीराइट आ जाएगा आगे का हुआ तो। जी लोड आपका है एकदम रेडी हो गया जी, नहा धो गया एंड काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। बट अभी पंखा बंद कर दिया तो पसीने आ रहे हैं, वो लाइट आया नहीं है जो एसी को ऑन कर ले। और भाई साहब लॉकडाउन में पड़े पड़े हैं ना, इतना आलसी हो गया हूँ, मन ही नहीं करता कहीं पर जाने का व्लॉग बनाने का क्योंकि आलस आ गया शरीर के अंदर। ऐसा मन करता बस एसी चलाओ, सो जाओ, सोए रहो सोए रहो। कल भी पूरे दिन सोया रहा, कुछ नहीं किया मैंने, बस एक जो है अभी दिक्कत है मुँह में छालों की और बोलने में थोड़ा थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। बाकी जी आज के विषय पर चर्चा करते हैं आप लोगों से। सो जी बात कुछ इस प्रकार से है, हमारा प्लान बन रहा है कहीं पर जाने का एंड अभी कच्चा पक्का प्लान है और प्लान में कुछ चेंजिंग है, थोड़ी चेंजिंग हुई है क्योंकि इस बार हम जो है बाइक से नहीं जाने वाले हैं, इस बार जाएंगे गाड़ी लेकर। और बाइक से जाना बनता भी नहीं बिकॉज एक तो कोविड है और दूसरी बात है कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है आजकल। तो जी तीन चार बंदे हैं अभी और ज़्यादा लोग जाएंगे भी नहीं और इसी बात पर जो अभी मीटिंग होने वाली है कुछ देर में, जो आप लोगों को पता लग ही जाएगा इसमें लोग में। मैंने अपने लोंडो को कॉल कर दिया जो जो जाने वाले हैं, तो कुछ ही देर में सब इकट्ठा हो जाएंगे अपने ऑफिस पर। लाइट जी हमने जी खुदाई हुई है, एक ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया भी था और आज उसकी खुदाई की है मैंने और कुछ खातवात डाला है। ये देखिए ये खड़ी हुई है और कुछ देर के लिए मैंने ऐसे छोड़ दिया था, वैसे तो मैं मॉर्निंग में पानी डाल देता हूँ इसमें बट आज थोड़ा लेट डाल रहा हूँ बिकॉज जो घास है ना ये जो जितना भी निकाला इसमें से खरपतवार वो सूख गया अभी, अब इसमें डालते हैं पानी और खाद भी डाला हुआ है। और ये ड्यूटी डेली की अपनी है और देखो तो सही कितने बड़े हो गए यार, छोटे छोटे जो ऊपर आए थे देखिए कुछ दिनों में ये यहाँ आएंगे। यहाँ पूरा चार पांच बाल्टी डालना पड़ेगा वहाँ से ला ला कर पानी को। चलिए जी करते हैं इस कार्यक्रम को पूरा। जी छह बाल्टी पानी डाल दिया है और देखिए पूरा भर गया ये पानी से। वैसे तो मैं इसमें डेली का दो बाल्टी डालता हूँ, ये 10 लीटर की बाल्टी है बट आज इसमें जो खोदी वगैरह की थी तो खाद वाद डाला था तो 6 बाल्टी डाल दिया पानी और पूरा भर गया अभी। और यहाँ पर देखिए आप चीज़ को आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये कुछ दो दुगाई हुई है हमें वहाँ तक, ये सब गेंदे के पौधे एंड वो सामने देख रहे हो ये कलकत्ती गेंदा खिला हुआ है एंड ये है भिंडी लेडी फिंगर। और आप लोगों को मैंने पहले बताया था हमारे यहाँ पर जो है फूलों की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो हो सकता है एक या दो या तीन दिन 2 हफ्तों के अंदर अंदर में कहीं निकलने का प्लान हुआ तो वहाँ निकल जाएंगे हम क्योंकि उसके बाद में जो है ना पियोद है ये तैयार हो जाएगी और फिर ये हमें लगाना पड़ेगा उस खेत में वहाँ पर। ये देखिए बिल्कुल खाली है बाउंड्री के पास में, वहाँ पर जो है इसको शिफ्ट करना पड़ेगा ले जाकर। तो जी चलिए चलते हैं अभी घर के अंदर और अपने बंधु लोगों को भी कॉल आ जाएगा कुछ देर में और करेंगे फिर मीटिंग पर चर्चा। और ये जो जरकारा होगा ना ये वीडियो में इसका भी कलेश काटेंगे जी, अगर जाएंगे उससे पहले कैमरा DSLR ज़रूर आएगा, करेंगे कहीं से जुगाड़
मतलब सेविंग ख़त्म करनी पड़ेगी, और इसको रखते हैं वहीं पर। ये देखिए जी, नायरा रोती हुई। क्या होगा क्या होगा भाई, अरे खड़ा हो जा। ये यहाँ पर गंजी भी नहा ली है जी, और रो रही है, रो रो, भूख लग रही, भूख की। शाम के अभी 5 बजने वाले हैं, और भाई साहब जो सोया हूँ ना 3 घंटे तक, बस मजा आ गई, बस बता नहीं सकता। लाइट और आ गई थी, ये देखिए चल रहा है जी एसी यहाँ, एंड बिल्कुल क्रूम हो रहा है, चिल्ड, और वही बड़ी भयानक नींद आई। और राइट जी, दिस इज द नेक्स्ट डे, एंड अभी थोड़ा काम कर रहे हैं यहाँ पर। वो देखिए सामने सूखा हुआ पेड़, ये आम के देख रहे हो, इसको रस्सा बांध कर ट्रैक्टर से कर रहे हैं खिंचाई, उखाड़ने की कोशिश। देखते हैं जी उखड़ेगा या नहीं, अभी तो खुदाई चल रही है उसकी। साल पहले तक आए इसमें ना आम लगते थे भाई साहब, आम लगते थे 1 नंबर के। और ये फिलहाल नींबू का पेड़ है हमारे, ये रहा, चल रही है आवाज़, पता नहीं कैसी आ रही होगी। सो मिलते हैं जी कुछ देर में। जड़ों को निकाल दिया जी, और अभी खिंचाई शुरू होने वाली है, और देखते हैं गिरता है या नहीं ये ट्रैक्टर एंड ये पेड़। चल 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 चल, और ये भाई साहब गिरते हुए, ले चल ले चल। देखिए सक्सेसफुल, हाँ खड्डे को मिट्टी से भर दिया जी। चल रहे हैं जी घर, ये घर ही है अपना, पीछे की तरफ हम घर के, एंड एक कुदाड़ी एक फावड़ा जो जी डेली का काम है अपना, ये तो कोई नया नहीं है। उधर जी अभी दोपहर के बजे हुए 3, और अच्छा खासा पावर नैप लिया है 2 घंटे का, और कुछ मैं सीख रहा था म्यूचुअल फंड के बारे में कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहा था कि आज से 3 या 4 साल बाद फ्यूचर कैसा होगा, तो सब चीज़ डिसाइड करके चलना पड़ता है। अभी अच्छे से तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं सीख पाया हूँ, बट 2-4 दिन या 1 मंथ अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट कर कर जो मैं आप लोगों को भी सलाह दे सकता हूँ मैं। सो गाइस, कल से जो अपना मीटिंग चल रहा था, तो उसमें कोई ऐसा कोई निर्णय निकल कर नहीं आया है, तो आप लोगों के साथ मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ मैं कि क्या हो सकता है आगे। जो भी जैसे भी आप लोगों को पता लग जाएगा, बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आज के व्लॉग को मैं भी विराम देती है, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर जा सकते हो। फिलहाल मैं अभी खाता हूँ जी खाना, भूख लगी हुई है, एंड अभी गर्मी इतनी भयंकर हो रही है ना भाई साहब, लाइट आने रही है ना ही दिन में दे रहे हैं ना ही रात को, बस 2 या 3 घंटे लाइट आती है 24 घंटे में। और शुक्र है सोलर सिस्टम अच्छा काम कर रहा है अपना। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।